वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सीबीएसई क्लास 12th का डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा 2 था आपका पार्ट, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे इस चैप्टर को। तो इसमें जैसे लास्ट टाइम हमने डाटा फ्रेम के बारे में देख रहे थे, आज हम इसमें देखेंगे कि ऑल्टरिंग द इंडेक्स को ऑल्टर कैसे किया जाता है इसके। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो एक न्यूमेरिक इंडेक्स है वो स्टार्टिंग 0 से होता है। जैसे को पता है, हमने पहले भी देखा है कि लिस्ट में, स्ट्रिंग्स में, सभी में इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होता है, इवन सीरीज में भी डाटा फ्रेम की। तो इसमें देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो डाटा फ्रेम हमारा है बना हुआ, इसमें देखिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हेयर द इंटीजर नंबर इन द फर्स्ट कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 इज द इंडेक्स। वी कैन सिलेक्ट सम अदर कॉलम्स टू बी द इंडेक्स, और वी कैन ऐड अनदर इंडेक्स कॉलम। हम नए इंडेक्स कॉलम भी ऐड कर सकते हैं या किसी और कॉलम को भी एज इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन वी स्लाइस द डाटा वी गेट द ओरिजिनल इंडेक्स विच इज नॉट कंटिन्यूस, वो हम गेट करेंगे जो कि हमारा कंटिन्यूशन में नहीं होगा, स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। When we select marks of all the students of the unit 1, we get the following series। देखो ऐसे हम करेंगे, DF UT1 हमने नया डाटा फ्रेम बनाया जिसमें पुराने वाला डाटा फ्रेम में से DF.UT जहाँ पर डबल इक्वल टू 1 है, सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे। इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये इसमें देखिए इंडेक्सिंग आपकी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि उसमें से कुछ ही उसने पार्ट सेलेक्ट किया है। अब देखिए नेक्स्ट में, द फर्स्ट कॉलम इज ए नॉन कंटिन्यूस इंडेक्स सिंस इट इज स्लाइसिंग, क्योंकि हमने स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे, तो हमारा नॉन कंटिन्यूस ही आएगा, कंटिन्यूशन में नहीं आया, नया इंडेक्स नहीं बना, पुराना इंडेक्स को इसने कॉपी किया है। वी क्रिएट ए न्यू कंटिन्यूस इंडेक्स अलॉन्ग विद दिस यूजिंग द रीसेट इंडेक्स, दैट इज द न्यू कमांड। देखो रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स कमांड से हम ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने किया, रीसेट इंडेक्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, मतलब इन प्लेस इंडेक्स इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर फिजिकली चेंज कर देगा। यहाँ पे देखिए जैसे इसने हमने जब किया था तो यहाँ पर हमने इन प्लेस ट्रू नहीं करवाया था इंडेक्स को बनाते टाइम, और जब हम यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन प्लेस को हम इक्वल टू ट्रू करा रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, इन प्लेस अगर हम ट्रू करवाएंगे रीसेट करते टाइम, तो यहाँ पर देखिए उसने इस डाटा फ्रेम को जो हमने UT1 निकाला था, नया सीरीज में UT1 के ही रिकॉर्ड थे, उन सबको देखो इसने री इंडेक्सिंग करके देखिए यहाँ पर ही आ गया, नया इंडेक्स बन गया है। इस पुराने वाले को उसने एज इंडेक्स ले लिया, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ध्यान कि यहाँ पर इसे नया इंडेक्स बना लिया है। इसके बाद एज द न्यू कंटिन्यूस इंडेक्स इज क्रिएटेड बाई द ओरिजिनल वन इज ऑल्सो इंटैक्ट, वो भी था हमारा, वी कैन ड्रॉप, उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू, ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कॉलम ने लिख दिया इंडेक्स इन प्लेस ट्रू, तो वहाँ पे आपका ये देखो पुराने वाला हट गया और नए वाला इसमें एज इट इज आ गया है। वी कैन चेंज द इंडेक्स टू सम अदर कॉलम ऑफ द डाटा, भी कर सकते हैं। देखो मान लो सेट इंडेक्स किया हमने, नेम का रखा हमने इन प्लेस ट्रू, तो देखिए इसको वो एज इट इज इंडेक्स मान लेगा और इन प्लेस ट्रू कर देगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, नेम वाले को इसने इंडेक्स मान लिया है और बाकी छोड़ दिया है अपने आप ही। वी कैन रिवर्ट बैक द प्रीवियस, को हम रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, मतलब अंडू रीसेट इंडेक्स कर सकते हैं। देखिए नेम इन प्लेस ट्रू हमने किया, तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, जैसे देखो पहले वाले हमने सेट इंडेक्स किया था और यहाँ पर हमने रीसेट इंडेक्स किया है। रीसेट इंडेक्स में किया तो हमने ये इन प्लेस वाले को यहाँ से, मतलब कि हमने हटा दिया है नेम वाले को, तो देखो नेम वाले को नेजी फील्ड में आ गया और ये वाला हमारा इंडेक्स एक नया बन गया है। अदर डाटा फ्रेम ऑपरेशन के अंदर देखिए रीशेपिंग कर सकते हैं हम डाटा फ्रेम को, तो जैसे कि द वे डाटा सेट इज अरेंज इन टू द रोज एंड कॉलम्स इज रेफर टू एज द शेप, जो सी रो की शेप को रिप्रेजेंट करता है। रीशेपिंग डाटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द डाटा सेट, डाटा सेट की हम शेप चेंज कर रहे हैं टू मेक इट सुटेबल फॉर सम एनालाइजिंग पर्पस, मतलब कुछ एनालाइज करने के लिए, हमें एनालिसिस करने के लिए जो डाटा फ्रेम में चेंजेस करने थे, हमें शेप में चेंज करने थे, वो हम इसके थ्रू करेंगे। फॉर रीशेपिंग डाटा टू बेसिक फंक्शंस आर अवेलेबल इन पांडा, तो कौन कौन से अवेलेबल है, एक तो है पाइवेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और पाइवेट अंडरस्कोर टेबल, माइनर डिफरेंस दोनों में। देखते हैं पहले पाइवेट के बारे में, पाइवेट फंक्शन इज यूज टू रीशेप एंड क्रिएट ए न्यू डाटा फ्रेम फ्रॉम द ओरिजिनल वन से कर सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग, देखो जिसमें दिया हुआ है यहाँ पे 4 है हमारे स्टोर्स, S1, S2, S3 और S4 जो इन इन साल के डाटा को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट हम पांडा कराया, यहाँ पे देखिए हमने स्टोर के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं, इसी तरीके से हमने ईयर के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं, टोटल सेल्स देखिए हमने यहाँ पे दे दी है, और फिर हमने टोटल प्रॉफिट को भी हमने दे दिया। तो देखो अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने जब डाटा फ्रेम बना लिया, डाटा फ्रेम बना के प्रिंट कराया तो ये नया इंडेक्स इसने बना लिया और ये स्टोर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आ गया है। सबका सब देखो डाटा रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए 2016 वाला, 2017 वाला और 18 वाला। तो मतलब डाटा कुछ एनालाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, टोटल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, जो डाटा हमारा मर्ज होना चाहिए था इन स्टोर्स के अकॉर्डिंग वो मर्ज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
व्हाट वाज द टोटल सेल्स ऑफ द स्टोर S1 इन ऑल द ईयर्स। अगर हमें सपोज ये निकालना है तो यहाँ तो हमें नहीं पता चल रही है जी S1 एक यहाँ आ रहा है, S1 यहाँ आ रहा है, एक S1 यहाँ आ रहा है, टोटल्स का भी नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सिंपल ऐसे जो हम अभी करते आ रहे थे, DF हमें स्टोर निकाला, S1 किया और फिर टोटल सेल्स को सम करके प्रिंट करा दिया। ऐसे तो कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेल, मैक्सिमम निकालना है S3 का। तो अभी देखो सेम हमने S3 को पहले अलग किया और फिर S3 को अलग करके इसका टोटल सेल्स में से मैक्स निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा है कि व्हाट स्टोर हैड द मैक्सिमम टोटल सेल इन ऑल द ईयर्स, ऑल द ईयर्स के निकालना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। S1, S2, S3, S4 हमने अलग बनाया, फिर हमने इसका सम किया, इसका किया, इसका किया, इसका मतलब चार हमने सम्स किया अलग अलग इन सबके, और फिर इन सबका मैक्सिमम निकाल के बता दिया। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं इसको एक सिंपल तरीका, लेट अस शेप द डाटा यूजिंग द पाइवट। अब हम पाइवट का इस्तेमाल करेंगे, कि काम कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने पाइवट एक नया बनाया और मैं df.pivot एक दैट इज द फंक्शन प्रीडिफाइंड, उसमें हमने इंडेक्स ले लिया स्टोर को, कॉलम ले लिया हमने ईयर वाइज कर देगा और वैल्यूज ले लिए हमने टोटल सेल्स। अब देखिए काम कितना आसान हो जाएगा हमारा इसकी वजह से। ये देखिए सब स्टोर्स का डाटा अपने आप आ गया है, कहीं कहीं नल आया है, बताऊँगा अभी नल क्यों आया है, क्योंकि इसमें डाटा वो S2 में डाटा ये 2006 का था ही नहीं, ये नया आ गया। तो कॉलम स्पेसिफाइज द न्यू कॉलम्स फॉर द पाइवट डाटा एंड वैल्यूज, स्पेसिफाइज कॉलम्स हुज वैल्यूज विल बी डिस्प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, स्टोर नेम्स विल एक्ट एज ए इंडेक्स की तरह वर्क करेगा, वो ईयर विल बी हेडेड हेडर्स मिली जाएगी फॉर द कॉलम्स एंड सेल्स वैल्यूज विल बी डिस्प्लेस्ड एज द वैल्यूज ऑफ द पाइवट टेबल। यहाँ पे देखिए ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको, दो सेल्स इन विच द न्यू पाइवट टेबल विच इज विच डू नॉट हैव द मैचिंग एंट्री, उसको नहीं मिलेगी तो वो उसकी यहाँ पे क्या दिखा देगा, नैन, दैट इज नॉट ए नंबर, नल के तरह यूज होता है इसमें ये। वी डी नॉट हैव द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल्स ऑफ द स्टोर S2 इन 2016 में हमारी वैल्यूज नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पे नैन आ गया था। ठीक है, तो मतलब जैसे आपको बता रहा था अभी कि 2016 में कोई वैल्यू नहीं थी, नैन दिखा दिया। इसमें 2017 में S4 की कोई वैल्यू नहीं रही होगी, 2018 में S4 की वैल्यू कोई नहीं रही होगी, इस वजह से नैन दिखाया है। नाउ द पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द अबव क्वेरीज विल बी एज फॉलो। अगर हम करते हैं व्हाट वाज द टोटल सेल ऑफ द S1, अगर हम निकालना चाहिए सिंपल पाइवट में कर लगाएंगे हम इसमें लॉक LOC वाला फंक्शन, लोकेशन जो बताता है S1.sum, तो इजी काम हो गया। ऐसे S3 का निकालना तो वो भी ईजी हो जाएगा, मैक्सिमम सबका निकालना है। देखिए सबका हमने अलग अलग पाइवट से बनाया और ये जो टोटल करके मैक्स में निकाल दिया, तो मतलब इसमें कॉलमरी बहुत कम हो जाती है। तो पाइवट बाय द मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हैं। फॉर पाइवटिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स वी नीड टू स्पेसिफाई द मल्टीपल कॉलम्स नेम्स इन द वैल्यूज पैरामीटर ऑफ द पाइवट। मल्टीपल कॉलम्स में हमें देने पड़ेंगे। इफ़ यू ओमिट द वैल्यूज पैरामीटर्स इट विल बी डिस्प्ले द पाइवटिंग फॉर ऑल द न्यूमेरिक डाटा। तो बाय डिफॉल्ट वो न्यूमेरिक डाटा पे ही लेता है अगर हम डाटा नहीं देते हैं तो। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए इसमें मैं आपको पाइवट में दिया इंडेक्स, देखिए ध्यान से हमने स्टोर पे लगाया, कॉलम हमने दो दे दिए, अब यहाँ पे एक ईयर दे दी और वैल्यूज़ के अंदर हमने ये दे दिया और यहाँ पे भी वैल्यूज़ में ये दे दिया। तो दैट मींस इससे होगा क्या, इन दोनों के बेस में वो कर देगा। ये देखिए अगर हम निकालते हैं अब, देखिए टोटल सेल्स एक पहले वाला दो बोला था, टोटल सेल्स में सबके अलग अलग निकल गया और यहाँ टोटल प्रॉफिट बोला गया था, टोटल प्रॉफिट अलग अलग निकल गया है। तो मतलब इन दोनों के डाटा वो समराइज करेगा लेकिन अलग अलग वे में। सपोज वी हैव स्टॉक डाटा कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टोर, अगर हम ऐसे करना चाहें, देखिए डाटा अगर मैं सपोज लिया ही, हमें एक डिक्शनरी बनाई है आइटम्स में, पेन पेन पेंसिल पेंसिल और पेन पेन, ये डाटा रहा होगा, मतलब डाटा रिपीटेड है इसके अंदर भी कलर में भी, और प्राइस देखिए आपका, और फिर इसके बाद यूनिट्स ऑफ स्टॉक्स लिए हुए, तो इसके अगर हम प्रिंट कर देंगे किस तरीके से डाटा आपका आ रहा है, वही इसमें भी पाइवटिंग की जरूरत है ताकि डाटा समराइज हो जाए। वी हैव टू रीशेप द अबाउट टेबल विद आइटम्स एज द इंडेक्स एंड द कलर एज द कॉलम, वी विल यूज़ द पाइवट फंक्शन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए पाइवट फंक्शन में आइटम पे लिया, कॉलम्स पे लिया, क्योंकि देखो इन्हीं डाटा अंदर ग्रुप हो रहा था, और वैल्यूज हमने ले ली यूनिट ऑफ स्टॉक, वैसे बाई डिफॉल्ट भी यही ले लेता है क्योंकि इसमें और न्यूमेरिक वैल्यू, अच्छा इसमें है तो सॉरी, तो इसमें भी यानी कि वो हमें देना पड़ेगा कि दो न्यूमेरिक वैल्यूज है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे देना ज़रूरी हो जाएगा वैल्यूज़ को। बट दिस स्टेटमेंट रिजल्ट्स एन एरर, कैसे वैल्यू एरर आएगा, इंडेक्स कंटेंस डुप्लीकेट एंट्री। देखो अगर हम इसमें देखते हैं इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे आइटम्स में अगर हम देखते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, यहाँ पर तो चल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इसकी वजह से एरर आएगा। तो इसके लिए एक सोल्यूशन उन्होंने नीचे बताया कि उसके लिए हम दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं, दिस इज बिकॉज द डुप्लीकेट डाटा डज नॉट रीशेप द यूजिंग द पाइवट फंक्शन, नहीं कर सकता है। हाउएवर हैंस बिफोर कॉलिंग द पाइवट फंक्शन वी नीड्स टू इंश्योर दैट आवर डाटा डू नॉट हैव द रोज विद द डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर द स्पेसिफिक कॉलम, में नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी कांट इंश्योर दैट दिस वी मे हैव टू यूज द पाइवट फंक्शन, इसके लिए हमें इसका इस्तेमाल अलग से करना पड़ेगा। देखिए वही इन्होंने बताया, इट वर्क्स लाइक ए पाइवट फंक्शन की तरह वर्क करता है, बट एग्रीगेट्स द वैल्यूज फ्रॉम द रोज विच डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स होंगे उनको एग्रीगेट कर देगा फॉर द स्पेसिफिक
फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन इज मीन, इसका बाय डिफॉल्ट मीन होता है, इसमें एग्रीगेट फंक्शन भी लगते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लगाया है ए प्राइवेट फंक्शन, हमें लगाया डाटा दिया वैल्यूज दी और फिर इंडेक्स को भी नन कर दिया, हमने कॉलम को भी नन कर दिया, एग्रीगेट फंक्शन मीन लगा दिया। दिस द पैरामीटर जो होता है आपका ये एग्रीगेट फंक्शन का कैन हैव द वैल्यूज अमंग सम मिनिमम, जो आपका कॉमन चलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, आपको पता ही है एसक्यूएल में भी आपने किए हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेंथ इसमें नया है, एन पी डॉट मीन और एन पी डॉट मीडियन। तो वी कैन अप्लाई इंडेक्स टू द मल्टीपल कॉलम्स इफ वी डोंट हैव एनी यूनिक कॉलम एक्ट एज इंडेक्स ना हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे इन्होंने किया है डी एफ डॉट पाइवट टेबल, हमने लगाया इंडेक्स आइटम्स कलर्स पे लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे आइटम और कलर दोनों के बेस पे आ गया है। लेकिन अगर इसमें देखते हैं प्लीज नोट दैट द मीन हैज बीन यूज एज अ डिफॉल्ट एग्रीगेट फंक्शन की तरह इस्तेमाल करता है। प्राइस ऑफ द ब्लू पेन इन द ओरिजिनल डाटा इज 50 and 20। देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 50 और 20 इसका ओरिजिनल में था, ठीक है ब्लू पेन का। तो अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे मीन हैज बीन यूज एज एग्रीगेट फंक्शन एंड द प्राइस कितना हो जाएगा 50 + 20 दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 2 35 आएगा इसमें। वी कैन यूज द मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलो एग्जाम्पल में ये बताया कि सम मैक्स और एन पी डॉट मीन है, तो हमें एन पी डॉट मीन में ध्यान रखना है। एन पी जब फंक्शन यूज़ करते हैं, जब भी हम एन पी की लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं तो इम्पोर्ट हमें ज़रूर कराना पड़ता है। नंपाई का फंक्शन है ये, पाइवट हमने अंडरस्कोर टेबल किया है। देखो डी एफ पाइवट हमने टेबल वाला फंक्शन लगाया है, नए वाला इंडेक्स हमने आइटम पे ले लिया, कॉलम्स पे हमने कलर ले लिया, वैल्यूज पे हमने ये ले लिया। एग्रीगेट फंक्शन पे हम करते हैं, तीनों बोला था, तीनों क्वेश्चन के गुड हमने लगा दिए हैं। देखिए अब हम लगाते हैं तो इस तरीके से इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए सम का पहले अलग बनाया उसने, मैक्स का अलग बनाया और मीन का अलग बनाया। एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट्स द पाइवटिंग ऑन टू कॉलम्स प्राइस और यूनिट इन सेल्स पर, यूनिट ऑफ स्टॉक्स पर। देखिए जैसे इन्होंने किया यहाँ पे पाइवट टेबल में ये लगाया, एंड आइटम को इंडेक्स में ले लिया, कॉलम को कलर में ले लिया, वैल्यूज को हमने प्राइस दे दिया, यूनिट ऑफ इन स्टॉक जैसा बोला गया दो तरीके से लगा दिया। एग्रीगेट फंक्शन हमने लगाया, देखो प्राइस एज इट इज ये टाइप हो जाएगा और ये लेंथ निकलेगा इसका और इसका मीन निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक इतने इसका बनाया प्राइस का और यूनिट ऑफ स्टॉक का बना दिया अलग से, जो नया नया आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज नहीं थी इसलिए ऐसा आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेन इन ईच कलर, ईच कलर में मैक्सिमम प्राइस क्या है पेन का। तो यहाँ देखिए अगर हम सिंपल लगा देंगे इसमें आइटम कलर पहले की तरह ही प्राइस और फिर एग्रीगेट फंक्शन हमने मैक्सिमम लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम लगाने से क्या हुआ, आपका ब्लू का दिखा रहा है और रेड का दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज इफ़ ए वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम इज नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट ही नहीं है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मिसिंग वैल्यू माना जाएगा। ए मिसिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाई एन ए एन को डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस एनालिसिस एंड हैव टू बी हैंडल प्रॉपरली। जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि बहुत सारे मिसिंग वैल्यू की वजह से नैन आ गया था, उसको प्रॉपर वे में हैंडल करा जाना चाहिए। तो कॉमन स्ट्रेटेजीज को हम कौन सी यूज़ करते हैं मिसिंग वैल्यूज को एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन में, तो बताएंगे कि या तो उसे ड्रॉप कर देंगे ऑब्जेक्ट को हैविंग द मिसिंग वैल्यूज, या फिर फिल और एस्टिमेट कर देंगे द मिसिंग वैल्यूज़ का। रमन कुड नॉट अपीयर फॉर द साइंस, इसमें जैसे टेबल बताया गया मैथ्स एंड इंग्लिश टेस्ट एंड सपोज देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर रीटेस्ट भी नहीं होगा, देयर फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज सब्जेक्ट्स विल बी मिसिंग। अगर हम देखते हैं इसमें तो क्वेश्चन अपीयर नहीं किया, तो इसमें तो आया था, बाकी में आया ही नहीं है जैसे क्वेश्चन बोला गया है इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनमें बाकी में नहीं आया तो वहाँ पर आपकी वैल्यूज नैन हो जाएंगी, ठीक है। अब इस केस में वो कैसे हैंडल करें इसको, इन द केस ऑफ रमन द मैथ्स टीचर डिसाइडेड टू कंप्यूट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 tests एंड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम द टोटल से निकालना चाहती है वो 75। इन ए वे शी डिसाइडेड टू ड्रॉप द मार्क्स ऑफ यूनिट 4 को वो चाहती है कि ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे उसने दिए ही नहीं है। हाउएवर द इंग्लिश टीचर डिसाइडेड टू गिव द सेम मार्क्स टू द रमन इन द 4th test एज स्कोर्ड इन द 3rd, जो 3rd में था उसके अकॉर्डिंग करना चाहती है आगे, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी दोनों यूज़ कर रहे हैं। सिंस द टीचर डिसाइडेड टू गिव रमन 0 marks इन द 4th test क्योंकि वो एबसेंट रहा है उसमें, तो 0 दिखा दिए एंड देन कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड। तो इसके लिए देखिए कहते करेंगे चेकिंग द मिसिंग वैल्यूज के लिए पांडास प्रोवाइड्स ए फंक्शन इज नल, इसके लिए इज नल एक फंक्शन होता है टू चेक वेदर एनी वैल्यू इज मिसिंग और नॉट इन द डाटा फ्रेम। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने एक डाटा फ्रेम बनाया है डिक्शनरी के थ्रू, नेम में ये सब नेम्स लिए जैसे उन्होंने बोला था ऊपर वाले, देखो ये टेबल सेम एज इट इज इसी को उन्होंने कोडिंग के थ्रू यहाँ पर बना के बता दिया गया है यूट्यूब 4 में।
ये देखिए वही आया मार्क्स यूटी, ये सब नाम वही लिए हैं उसने, यहाँ पे नाम आ गए, यहाँ पे यूटी आ गया और फिर मैथ्स साइंस SST हिंदी और इंग्लिश के एक डिक्शनरी बना ली है। उसके बाद हमें डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए दैट इज़ अ न्यू फंक्शन df डॉट इज नल, इज नल फंक्शन यही पता लगा कि जहाँ पे नल होगा वहाँ पे देखिए ट्रू दिखा देगा। ध्यान से देखिए इस वाले में देखिए इधर की तरफ जो आपका रमन का रिकॉर्ड था वो यहाँ पर देखो तीनों में ट्रू आया क्योंकि उसने मैथ साइंस और इंग्लिश के एग्जाम्स नहीं दिए थे यूटी के, इसलिए यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले होगा। इज नल फंक्शन का डिपेंड करता है ट्रू अगर वो वहाँ पर नन वैल्यू होगी तो। अब देखिए कुछ और बताया इन्होंने कि फॉलोइंग स्टेटमेंट चेक्स वेदर द एट्रीब्यूट साइंस हैज ए मिसिंग वैल्यू और नॉट, इट रिटर्न्स ट्रू और ईच फॉर ईच रो वेयर देर इज ए मिसिंग वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट साइंस के लगर रहेगी एंड फॉल्स अदरवाइज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंस हमने किया इज नल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया तो साइंस वाला दिखा रहा है ये। टू चेक वेदर ए कॉलम एट्रीब्यूट फॉर हैज ए मिसिंग वैल्यू इन द एंटायर डाटा सेट में, जब पूरे मिसिंग होगी तो मैं N1 लगाया था, तो यहाँ पे हमने जो लगाया था इज नल वन लगाया था तो एक एक करके बता रहा था। अब पूरे के डाटा फ्रेम में बता रहा है कि पूरे में ही नहीं होगी तब दिखाएगा एन ही करेंगे, तो सारे सारे फॉल्स सारे, लेकिन सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही ट्रू आ रहा है, इज नल में एन ही लगा दिया हमने। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स द ट्रू इन केस ए एट्रीब्यूट हैज एनी वाला फंक्शन बता रहा हैज ए मिसिंग वैल्यू एल्स इट रिप्रेजेंट्स फॉल्स। यहाँ पे देखिए हमने साइंस को पता लगाया इज नल एनी मतलब कहीं भी होगा तो ट्रू दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड उसका रमन का ऐसा था जिसमें साइंस के अंदर नल वैल्यू थी नैन थी, इसलिए उसने यहाँ पे ट्रू दिखा दिया। अब जैसे देखो हिंदी में देखते हैं एनी में तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि हिंदी में सभी के सभी स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ टेस्ट दे रखे हैं। देखिए दिखाता हूँ आपको जो मेन डाटा फ्रेम था यहाँ पर देखिए हिंदी का रिकॉर्ड, कोई भी डाटा मिस नहीं था इसमें, सभी के पास डाटा अवेलेबल था, सभी स्टूडेंट ने टेस्ट दिए थे। इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो साइंस वाले में एक रिकॉर्ड मिस था, इस तरीके से मैथ्स और इंग्लिश में भी एक एक रिकॉर्ड मिस था, उसी का जिक्र कर रहा है आगे। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें टू फाइंड दी नंबर ऑफ नैन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच एट्रीब्यूट में, नंबर ऑफ नैन वैल्यूज को मैं काउंट करके बताना है। वन कैन यूज द सम फंक्शन कर सकता है अलॉन्ग विद द इज नल फंक्शन, देखो ऐसे हम कर सकते हैं इज नल फंक्शन लगाया फिर उसको सम कर दिया, गिन के बता देगा कि इसमें कितने कितनी नैन वैल्यूज हैं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नैन्स इन द होल डाटा फ्रेम, तो कि पूरे डाटा फ्रेम की बात हो रही है कॉलम की बात नहीं हो रही, तब हम क्या करेंगे डी एफ डॉट इज नल लगा देंगे डॉट सम दो बार सम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले वो सम करेगा फिर लास्ट में कॉलम रो की वजह से दो बार सम करके दिखा देगा तीन आ जाएगा। देखो पूरे डाटा फ्रेम में तीन रोज हैं मतलब तीन रिकॉर्ड्स ऐसी हैं जिसमें वैल्यूज नन है, तीन एंट्रीज है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द रमन इन हिंदी में निकालने हैं मेरे परसेंटेज मार्क्स, तो मैं नेम लिया पहले रमन से अलग से डाटा फ्रेम बना लिया इसमें से मार्क्स स्कोर्ड बाय डी एफ रमन ने दिखा दी। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू नन भी आ रही है। अब इस सिंपल हम हिंदी का देखते हैं तो हिंदी के मार्क्स दिखा देगा वो इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लेंथ निकालना चाहें लेंथ भी निकाल सकते हैं इसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ हमने क्या करा परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने के लिए रमन के हमने पहले इसका सम किया, सम को 100 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही करते हैं देखो निकालते टाइम डिवाइडेड बाई 25 इंटू रो वाइज करेंगे जितनी भी नंबर ऑफ रो सी और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तो 25 इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द ईच टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अगर हम टेबल में देखेंगे तो हमें गिवन है कि 25 है, तो इसलिए 25 से ही डिवाइड वो होगा, तब इसका टोटल पता चल पाएंगे। परसेंटेज में निकाल के देखेंगे तो 84 था, क्योंकि परसेंटेज में लिखा था जी डी परसेंटेज यहाँ लिखा आ गया और ये कैलकुलेट हो गया आ गया और ये शुरू का परसेंटेज मार्क जो था वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द रमन इन मैथ्स सब्जेक्ट में, कितने आए हैं देखिए मैथ्स में मिल गया पहले और फिर हमने इसको यहाँ पे स्टोर करवा लिया, इसके बाद डिस्प्ले करा दिया, देखिए नैन वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो लेंथ भी निकल जाएगी हमारी अलग से। अब इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें सेम वही फार्मूला लगाया तो इससे भी निकल जाएगा यहाँ 57% निकल जाएगा। हियर नोटिस दैट रमन वाज एब्सेंट इन द यूनिट टेस्ट 4 इन द मैथ सब्जेक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द फोर्थ टेस्ट हैज टू बी कंसीडर्ड एज 0 ही माना जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने रहेगा, नेक्स्ट हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा वीडियो को व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।